अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग अपने पेपरों की तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो और ये जो वीडियो है ये आप लोगों के सामने चल रही है, तो अब जो है ना वो हर वीडियो के पीछे जो है ये एक ही साउंड में अपनी ये जो वॉइस है ना एक ही मैसेज लगाया करूँगा। तो बाकी जो है ना ये वीडियो देख के आपको जब स्लाइडें जो हम मूव करेंगी और आपको जो एमसीक्यू जिस बुक के होंगे वो आपको स्लाइडों पे नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर, तो अब हर के पीछे साउंड यहीं पे लगाया करूँगा। इसमें मैं जनरल डिस्कशन आप लोगों के साथ कर लेता हूँ कि नंबर 1 जो है वो पेपर कब होंगे। ठीक है, तो देखा जाए जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि 22 जुलाई को ऑनलाइन पेपर होंगे, 25 अगस्त तक चलेंगे पार्ट 2 के। ठीक है, तो वो एमसीक्यूज पे मुश्तमिल हो गए। अब देखें कि अभी तक जब वो ना तो डेट शीट आई है और ना अभी तक रोल नंबर स्लिप आया है और ना अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आई है। अभी मैं भी सुना है कि 2 जुलाई को मीटिंग होगी, फिर वो बताएंगे कि पेपर जो वो कैसे लिए जाए, सेंटर में बुलवाया जाए बच्चों को या घरों में बैठ के आप लोग पेपर दे सकते हैं। ठीक है, इसका अभी तक डिसीजन नहीं हुआ, ये यूनिवर्सिटी करेगी, आई थिंक 2 को करेगी शायद। ठीक है, तो बाकी जब वो ये आपके सामने एमसीक्यू चल रहे हैं तो आपको पता ही है कि ये किस बुक के हैं, तो आप लोग बस अपनी अच्छे से तैयारी जारी रखें और ऐसे ही जो है ना वो इंशाल्लाह जो है ना अब बार बार जो है ना वो रिकॉर्डिंग करना बात हर सब्जेक्ट की अलहदा अलहदा ये बहुत टफ टाइम है। ठीक है, तो जस्ट जो वो एक ही वॉइस जो मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाली, और यही जो है ना वो सबके पीछे लगाऊंगा, लेकिन आपने अपनी जो है ना वो कंपनी ना आपको जो नज़र आ रहा होगा वो आपको पता चल जाएगा किस बुक का है, और अंदर जब आप वीडियो प्ले होगी तब भी सबसे पहले जो है ना वो बुक का जिक्र होगा कि ये किस बुक के एमसीक्यूज़ हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो देखिए, अगर आपको किसी चीज़ के एमसीक्यूज़ या कुछ हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। तो आप देखिए, आप सैम्पल पेपर्स की बात कर लेते हैं, तो सैम्पल पेपर की बात ऐसी है कि जी पार्ट 2 के ना कुछ बुक्स के एमसीक्यू जो सैम्पल पेपर है वो अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो वो मेन सब्जेक्ट जो वो रहते हैं जैसे होगा जी डबल मैथ, फिजिक्स, जनरल मैथ, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, BA इंग्लिश, अभी इनके सैम्पल पेपर अपलोड नहीं हुए। ठीक है, तो जैसे ये सैम्पल पेपर अपलोड होंगे इंशाल्लाह मैं जो है ना वो ट्राई करूँगा इनको सॉल्व करके अपने चैनल पर अपलोड करने की, और आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि ये जानो सैम्पल पेपर्स आ गए हैं तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और नंबर 2 जब अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी BA पार्ट 1 वालों की, BA, BSc, ADP पार्ट 1 वाले हैं। देखिए, इनका जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया हुआ जी अक्टूबर में ना इनका ट्रेडिशनल मेथड से पेपर लिए जाएंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड से आप लोगों को पता ही है कि सब्जेक्टिव पोर्शंस होते थे, उनमें एमसीक्यूज एक भी नहीं आना, जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन होने हैं, और जैसे पहले पेपर्स होते थे BA, BSc के। तो अगर आप लोगों को BA, BSc पार्ट 1 वाले जो ADP वाले, अगर आप लोगों को किसी बुक के पास पेपर्स चाहिए तो वो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह जो है ना 5 साल पेपर जो है वो इकट्ठे करके आप लोगों के लिए अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो जिससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि पास्ट पेपर जो है ना ये जो है ना ये कामयाबी के लिए तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि BA, BSc में ना गेस पेपर्स जो है वो इतने वर्क नहीं करते जितने पास्ट पेपर्स करते हैं। ठीक है, गेस पेपर जो है ना वो जस्ट मैट्रिक लेवल पे, FA, FSC लेवल पे चलते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा। जब मैट्रिक, FA, FSC वाले जो बच्चे जो है ना वो जब उनको कुछ चाहिए होगा तो इंशाल्लाह उनके लिए भी मैं हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कुछ दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे सरगोधा यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, GC फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना इन्होंने अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं किया कि पेपर कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, और अभी तक जो है ना वो जो गुजरात यूनिवर्सिटी है ना उसमें उस उन्होंने अभी अनाउंस कर दिया होगा कि 28 अगस्त से ना BSc जो है BA पार्ट 2 इनके पेपर स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक वेबसाइट पे मौजूद नहीं है, लेकिन ये किसी टीचर ने मेरे साथ शेयर किया था कि 28 अगस्त से पार्ट 2 के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं गुजरात यूनिवर्सिटीज़ के। ठीक है, BA, BSc के,
तो एक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ अगर आप लोग इन चीज़ से एग्री है तो कमेंट में डन लिख दीजिएगा, समझ आ गई हो आप लोगों को, ठीक है। और जो है ना बाकी जो है एमसीक्यूज़ जो है वो देखें कितना एमसीक्यूज़ जो है, मैं भी चाहता हूँ कि बहुत जल्द जान जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ हो जाए आप लोग उतना ही बेहतर है, ठीक है। लेकिन एक जो वीडियो है ना वो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, एमसीक्यूज़ बनाने में लिखने में टाइम लगता है, तो इतनी मेहनत जो है ना उसके लिए आप लोग प्लीज़ लाइक लाजमी कर दिया करें। अगर लाइक करेंगे तो हिम्मत आएगी ना इंसान को कि और जो है ना वो वीडियोस वगैरह बना के डालने। जब आप लोगों ने देख लें अभी भी जो है वो सीन हो गए हैं जी, किसी किसी वीडियो पे 200 हो गया, किसी पे 1K हो गए हैं, लेकिन अभी तक अगर लाइक देखे जाए तो किसी पे 12 लाइक है, किसी पे 20 लाइक है, किसी पे 50 लाइक है, बस एक दो पे 50 या 60 तक लाइक्स हैं बस, बाकी सब में किसी में 4 लाइक्स हैं, किसी में 5 लाइक्स हैं। देखने वाले इतने ज़्यादा हैं लेकिन लाइक्स जो है वो जस्ट 4-5। ये क्या मसला, क्यों नहीं आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक करते, या वीडियो जो है ना वो ठीक नहीं लगती आप लोगों को? अगर वीडियो नहीं ठीक लगती तो आप लोग कमेंट में मुझे बता दी, मैं इंशाल्लाह जो है ना चलो जैसे आप लोग कहेंगे वैसे ही कर लेते हैं तैयार, ठीक है, वैसे तैयारी कर लेते हैं। तो कहीं नहीं, ये जो चीज़ है ना ये आप लोग को खुद सोचिए, और जो है ना लाइक करने में आप लोगों का कुछ भी नहीं जाना, ठीक है, जस्ट एक बटन प्रेस करना है, और क्या करना है आप लोगों ने। या आप लोगों से मैंने कोई फीस लेनी है कि आप लोग जो है ना वो पैसे दो मुझे, फिर लाइक जो है ना अगर लाइक करोगे तो आपके इतने पैसे कट जाएंगे, ये तो कोई सीन है नहीं, ठीक है। तो आप लोग जो है ना वो अपने पेपरों की तैयारी ऐसे ही अच्छे तरीके से करते रहे, ठीक है। अब जो है ना ये जनरल डिस्कशन मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने अब ये एक ही वॉइस रिकॉर्ड की है, अब ये हर वीडियो के पीछे यही वॉइस लगाया करूँगा, बाकी जो है ना वो आप लोग अपना सब्जेक्ट जो है वो आपको सामने नज़र आ जाया करेगा कि ये किस बुक के एमसीक्यूज है, जब वीडियो स्टार्ट होगी तब भी आपके सामने लिखा आ जाएगा, ठीक है। और जब आप वीडियो ओपन ना भी करेंगे तो ऊपर ही जो है वो नज़र आ जाएगा आपको कि किस सब्जेक्ट की बुक है, किस टॉपिक की बुक है, तो जिसके एमसीक्यूज है ये वाले, ठीक है। तो आप लोग बस ऐसे ही अच्छे तरीके से तैयारी करते रहे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, ठीक है। और घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना ऑनलाइन पेपर से, ये बहुत ही आसान हो गया इंशाल्लाह जो है ना, अगर आप लोगों ने सिलेबस किया होगा, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे अपना सिलेबस जो है ना बस वो अच्छे तरीके से लाजमी करिएगा। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। और साथ जो बेल आइकन का निशान है ना घंटी का, उसको लाजमी प्रेस किया करें, जबकि जब आप लोग उस पर प्रेस कर दोगे ना तो जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा ना वो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर आप लोग जो है ना वो फौरी उस नोटिफिकेशन को देखें और उस चैनल पर आपको वो वीडियो पे ले जाएगा, और फिर आपको पता चले अगर तो आपके रेलिवेंट है ये वीडियो तो आप लोग देख लीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो काइंडली आप एमसीक्यू जो है ना वो इकट्ठे ना करें, ये जो पीडीएफ में मांगते हैं कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं, देखिए बड़ी मुश्किल से ना ये चीज़ें जो है ना वो यही इसी चीज़ के लिए बस तैयार हो रही है। तो आप देखा, अब मैं किसी और के लिए पीडीएफ बना के मैं देता रहा तो भी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना वो खुद ज़रा सोचिए और अपने पेपरों की तैयारी है वो अच्छे तरीके से, और ऐसे एमसीक्यू बेहतर है कि आप लोग भी पूरा पूरा चैप्टर रीड किया करें, ठीक है। क्योंकि कुछ कोई मैं भी कोई चीज़ रह गई हो जो कि मैंने ना डाली हो एमसीक्यूज़ में, तो आपको अंदाज़ा हो